गुड आफ्टरनून क्लास सेकंड। आज हम लोग पाठ 11 गीत का पुस्तक पे पढ़ेंगे निराला जादूगर। पाठ 11 लेसन 11 निराला जादूगर। कैसा जादूगर? निराला जादूगर। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पचहत्तर प्रश्न में। क्या आपने जादू का तमाशा आपने कभी जादूगर का तमाशा देखा है? देखा होगा भाई कभी तो। बालकों को जादूगर के माध्यम से काव्य बोध कराना है। क्या आपने मुन्ना भाई जादूगर के कर्तव्य देखे हैं? अब आप पता नहीं आपने जादूगर के कर्तव्य देखे हो, जरूरी नहीं कि जादूगर का नाम मुन्ना भाई हो। अब हम आपको मुन्ना भाई जादूगर के कर्तव्य पाठ पढ़ाएंगे, ठीक ना बेटा? चलिए अब हम पढ़ते हैं जादूगर। इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, क्या आपने मुन्ना भाई जादूगर के कर्तव्य देखे हैं? अब वही मुन्ना भाई जादूगर के कर्तव्य कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर से पढ़ते, इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। सब कह रहे हैं, ये लड़का कह रहा है कि इस बंदर को देखो भाई। ये जो बंदर है, ये बंदर है, देखने अब कमीज पहने हैं, साफा लगाए है ना, तो ये बच्चा कह रहा है इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। भाई देखो ये जो बंदर, इसका नाम है मुन्ना भाई। करतब तरह तरह के करता, करतब में जादू के अनोखे खेल, मतलब तरीके तरीके के खेल दिखाता है। करतब तरह तरह के करता जादूगर या जादू करता, बड़े बड़े जादूगर आते इसके आगे ना टिक पाते। ये इतने तरह तरह के करतब करता है और जादू या जादू करके जादूगर दिखाता है। इसके सामने बहुत बड़े बड़े जादूगर आए, लेकिन कोई भी इसके सामने रुक नहीं पाया, कोई भी इसका मुकाबला ना कर पाए, ना टिक पाते। इसके आगे ना टिक, मतलब कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। किसका मुकाबला? मुन्ना भाई। मूछ नुकीली लंबी पगड़ी कमर में बांधी भारी तरफ, देखिए लंबी लंबी मूछ बनाए ना ये बंदर, आप पिक्चर देख रहे हैं ना बेटा। मूछ नुकीली लंबी पगड़ी, पगड़ी भी खूब बड़ी सी, अपने सबसे ज्यादा बड़ी बंदर मुन्ना भाई ने लगा रखी है। कमर में बांधी भारी पग तगड़ी, देखो कमर में ये फिट बांधे ना कपड़ा, इसको तगड़ी कहते हैं। कमर में जो बेलकर के कपड़ा बांधते हैं, इसको क्या कहते हैं? तगड़ी कहते हैं। मूछ नुकीली लंबी पगड़ी कमर में बांधी भारी तगड़ी, इसकी लंबी सी मूछ है, नुकीली पग मूछ नुकीली मूछ है, देखे देख रहे हैं नोकदार मूछ, लंबी बड़ी सी पगड़ी है और कमर में क्या बांधी है? तगड़ी बांध रखी है इसने, ठीक ना। तरह तरह के जादू जाने कोई न कोई माने या ना माने, बच्चा कह रहा कि ये तरह तरीके के बहुत तरीके के जादू जानता है, कोई माने या माने, माने या ना माने, इसको बहुत तरीके के जादू आते हैं। जो भी चाहे वो ही कर दे, पत्थर को तो पानी कर दे, कि जो भी चाहे वो कर दे, पत्थर को पानी कर दे। एक टोकरी लेकर खाली जो थी सबकी देखी भाली, मतलब इसने एक टोकरी ली खाली, जो सबने देख रखा था इस टोकरी में कुछ भी, सबकी देखी भाली, मतलब सब लोगों ने देखी हुई थी सबकी कि टोकरी खाली है। इस बंदर ने उसे घुमाया, बड़ा सा मुर्गा उसमें आया, मतलब जादू से उस खाली टोकरी में क्या आ गया? बड़ा सा मुर्गा आ गया। अब बेटे आप लोगों को ये निराला जादू का कविता याद करनी है, ठीक। ये कविता किसने लिखी है? अनिल कुमार शर्मा ने लिखी है। अगर आपसे कोई पूछे निराला जादूगर कविता किसने लिखी है, तो आप फट से बता देंगे निराला जादूगर कविता अनिल कुमार शर्मा ने लिखी है, ठीक। अब हम लोग शब्द पढ़ते ना, देखिए लिखा है ना शब्द। करतब जादू के अनोखे खेल, ना टिक पाते, मुकाबला ना कर पाते, मतलब किसी से भी मुकाबला नहीं कर पाते। देखी भारी, देखी हुई। अब देखिए क्या ये अभ्यास कर रहे हैं ना, बुक एक्सरसाइज का नंबर सही करके आगे सही लगाइए। नंबर वन, बंदर का नाम है मुन्ना, मुन्ना भाई, मुन्नू भाई क्या है बंदर का नाम? मुन्ना भाई है ना, तो बा में टिक लगाइए ऐसे, पेंसिल से करिएगा बेटा। सेकंड नंबर, मुन्ना भाई के आगे कौन नहीं टिक पाता है? बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े जादूगर और सपेरे, बा में टिक लगाइए, बा में टिक लगाइए, बड़े बड़े जादूगर। थर्ड नंबर,
जादूगर पानी किसे कर देता है? मोम को, बर्फ को, पत्थर को? पत्थर को भी पानी कर देता है ना कविता में? सामने टिक लगाइए, पत्थर को। ख, कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए, मतलब कविता की जो लाइनें छूटी उनको आपको बुक से देख के पूरी करना है। इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। पेंसिल से लिखिएगा बेटा। करता तरह तरह के करता, जादूगर या जादू करता, ऐसे ही आपको पूरी पोयम अधूरी जो दी है आपको पूरी करनी है। देखिए ऐसे ही आप एक पहली लाइन, एक कविता लाइन, एक दो एक पैरा बता दिया, इसको आपको कंप्लीट करना है। गा, निम्न के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, उच्चारण करना मतलब शुद्ध एकदम आपको सही सही बोलना है। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है ना? मुन्ना, क्या बोलेंगे? मुन्ना। मूछ, पत्थर, तगड़ी। एक बार फिर बोलते हैं हम लोग, मुन्ना, मूछ, पत्थर, तगड़ी। अब देखिए घा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। ये सारे प्रश्न उत्तर बेटा आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करिएगा। वर्क एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, कॉपी चेक कराइएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी और क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। अब देखिए भाषा व्याकरण दिया ना, का पढ़िए समझिए और लिखिए। ये लिखा है बंदर है, तो बंदर का क्या होगा? बंदरिया होगा। मोर का मोरनी, बैल गाय, बाघ बाघिन, चूहा चूहिया, ग्वाला ग्वालिन। ग्वाला पर जानते किसे कहते हैं? ग्वाला कहते हैं दूध वाले को, तो जो दूध वाली होती है वो क्या कही जाएगी? ग्वालिन कही जाएगी बेटा। खा नंबर, इन्हें क्या कहते हैं? एक एक शब्द में लिखिए। जादू दिखाने वाला जादूगर, चालाकी करने वाला चालाक, जो कहते ना बड़े चालाक हो तो चालाकी करता उसी को तो चालाक कहा जाएगा ना। चोरी करने वाला चोर, झूठ बोलने वाला झूठा। अब देखिए गा नंबर है, तालिका में से शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। अब तालिका है ना, इसमें से शब्दों के जोड़े बनाए। देखिए आगे पीछे, लोग कहते हैं आगे पीछे, तो पढ़ना लिखना। अब देखिए यहाँ लिखा है ना, पढ़ना लिखना, इसका जोड़ा बनाना है आपको। हाथ पैर, ये है ना, देखिए हाथ पैर। खेल कूद, सोचो समझो, ठीक ऐसे आपको करना। और ये आपका होमवर्क है। कौशल और योग्यता का नंबर है, बंदर के विषय में 5 वाक्य लिखिए और कहिए। बंदर के विषय में आपको 5 वाक्य लिखना है, लेकिन इसमें 4 ही लाएंगे, आप 4 ही लिखिएगा, ठीक है ना? बंदर कैसा होता है? बंदर 4 पैर वाला होता है, बंदर बड़ा चंचल होता है, चतुर होता है, बड़ा नकलची होता है, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता। बंदर के बारे में आपको 4 वाक्य 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक बेटा? खा, इनमें से ये आपका होमवर्क है बेटे, ये आपको बुक में पेंसिल से करना है, मैं समझा दे रही हूँ। खा, इनमें से कौन से पशुओं के तमाशों का लोग आनंद लेते हैं? अब देखिए कोई गधे का तो तमाशा दिखता नहीं है, ना कोई हिरण का दिखता है, लेकिन बंदर का और भालू का तमाशा सब दिखते हैं ना, तो भालू और बंदर का तमाशा देख के आनंद लेते हैं ना। गा, रंग भर कर सुंदर रूप दीजिए। ये बच्चे खेल रहे, देखो बंदर बंदर ये डांस कर रहे हैं, तमाशा देखा, ये बच्चे देख रहे हैं, इसमें आपको कलर करना है, ठीक? स्केच कलर का यूज़ नहीं करिएगा, पेंसिल कलर या वैक्स कलर। समझ में आया बेटा? देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ा था ना, निराला राजू का पोयम पढ़ी, तो पोयम आपको लर्न करनी। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे, आप कॉपी में करेंगे कठिन शब्द, मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ कठिन शब्द बोलेंगे, ओके बेटा? बंदर, मुन्ना, जादूगर, मूछ, नुकीली, लंबी, बांधी, पत्थर, टोकरी, मुर्गा। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने निराला जादूगर के कठिन शब्द पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ।
और ये आपको सब पीडीएफ में मिलेगी, पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन सुंदर राइटिंग में। मैं बोलूँगी मेरे साथ ये शब्द लिखा, ये अर्थ है ना, शब्द क्या है, कर्तव्य। इसका अर्थ जादू के अनोखे खेल, कर्तव्य में जादू के अनोखे खेल। ना टिक पाते मुकाबला ना कर पाते, देखी भाली देखी हुई। समझ में आया, एक बार मैं फिर पढ़ाती हूँ आपको। कर्तव्य जादू के अनोखे खेल, ना टिक पाते मुकाबला ना कर पाते, देखी भाली देखी हुई। अभी स्टूडेंट हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, ठीक। मैं बोलूँगी आप मेरे साथ बोलेंगे और सारे प्रश्न उत्तर, वर्ड मीनिंग, हाई वर्ड सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा, कुछ आंसर लर्न करिएगा और कॉपी आके चेक करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर वन, कविता में मुन्ना भाई कौन है? आंसर, कविता में मुन्ना भाई बंदर है, बंदर ही तो मुन्ना भाई बनाने का कर्तव्य दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुन्ना भाई क्या करता है? आंसर, मुन्ना भाई कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य में जादू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुन्ना भाई को निराला जादूगर क्यों कहा गया है? आंसर, मुन्ना भाई को निराला जादूगर इसलिए कहा गया है, मुन्ना भाई को निराला जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि मुन्ना भाई बड़े बड़े जादू दिखाता है, इसीलिए उसको निराला जादूगर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, जादूगर की मूछें तथा पगड़ी कैसी है? जादूगर की मूछें नुकीली तथा पगड़ी लंबी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, जादूगर की कमर में क्या बंधा है? आंसर, जादूगर की कमर में पगड़ी बंधी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अंत में जादूगर ने कौन सा कर्तव्य दिखाया? आंसर, अंत में जादूगर ने यह कर्तव्य दिखाया कि खाली टोकरी में बड़ा सा मुर्गा ला दिया। अंत में जादूगर ने क्या कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य दिखाया? आंसर है, जादूगर ने यह कर्तव्य दिखाया कि खाली टोकरी में बड़ा सा मुर्गा ला दिया, मतलब सबने देखा कि टोकरी खाली लेकिन उसमें बड़ा सा मुर्गा आ गया, यही जादू दिखाया। ये बेटा आपको सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब लर्न करने हैं, पोयम लर्न करनी है, ये आपका होमवर्क। थैंक यू क्लास।